अस्सलाम वालेकुम, मैं नौशीन तारिक और सऊदी अरब से रिलेटेड तमाम अहम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आपको सऊदी अरब से रिलेटेड कोई भी अहम इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि डेली बेसिस पे आपको लेटेस्ट अपडेट से के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि सऊदी अरब ने एक अहम काम कर दिया है जो कि आपके जानना भी बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब में सैकड़ों गैर मुल्कियों की जाली डिग्रियाँ जब्त कर ली गई हैं। जी हाँ, सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल के मुताबिक गैर मिजाज इदारों की जानिब से 16,887 अफराद को जो है वो जारी की गई डिग्रियाँ जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। इस वक्त जो मनसूख की गई डिग्रियों की तादाद है वो 387 बताई जा रही है। और इंजीनियरिंग काउंसिल मुतादिद गैर मुल्कियों की जो इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ हैं कहा जा रहा है, खासकर उनके जाली होने का इंकशाफ हुआ है। साल 2020 के दौरान गैर मिजाज जामियात की तरफ से जो तस्दीकशुदा या इंटरनेशनल लेवल पर रिकगनाइज जामियात नहीं हैं, उन्होंने जो जारी करदा डिग्रियाँ थी इंजीनियरिंग की, जिस 16,887 उनको सऊदी हुकूमत ने बैन कर मनसूख कर दिया है। और ये एक गैर मुल्कियों के लिए आप कह सकते हैं कि सेट बैक है, एक बुरी न्यूज़ है जो कि सऊदी हुकाम ने किया है और कहा है कि जितने भी जाली डिग्रियाँ के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है और इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट। मज़ीद अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।